अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक और फिश की वैरायटी जो कि इसका नाम है तवा फिश। तो इसके लिए आपको चाहिए फिश, आप कोई भी अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ सी बास और मैंने इसकी स्किन रिमूव करवा दी हुई है और आपने इसको जो है तकरीबन इतने 4-5 इंच के जो है टुकड़ों में कटवा लेना है। तो ये वो हो गया, बीच में जाएगा इसकी मैरिनेशन के लिए सिरका, दैट्स विनेगर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक। तो ये चीज़ें होगी इसकी मैरिनेशन के लिए। और जो इसका हमने बैटर बना करके इसको बिल्कुल फ्राई करना है तवे पर हल्के से तेल से, उसमें आपको चीज़ें चाहिए होंगी सॉल्ट दोबारा यानी कि नमक आपको चाहिए, अजवाइन आपको चाहिए, दैट्स कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली, हल्दी यानी कि टर्मरिक, अंडा या एग जाएगा, फूड कलर बीच में जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं दैट्स फाइन। मैं थोड़ा सा बिल्कुल डाल रही हूँ इसमें। कॉर्न फ्लावर इस्तेमाल करेंगे, मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर जो होता है, कुटी हुई काली मिर्च दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, पिसी हुई लाल मिर्च दैट्स रेड चिली पाउडर, विनेगर जाएगा, सॉरी लेमन जूस है यहाँ पर, फ्रेश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि नींबू का रस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। इसकी मैरिनेशन के लिए आप बीच में डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक जाएगा बीच में, और बीच में जाएगा सिरका। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लें और ये कर लेने के बाद आप इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स या आधे घंटे के लिए। इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसे जो है आपने वॉश कर लेना यानी कि इसको आप धो लेंगे। प्लीज़ हल्के हाथ लगाइएगा क्योंकि इसके फिलेट्स आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी पतले कटवाए हैं। अगर आप मोटे भी कटवाते हैं फिर भी जो होती फिश इसको ज़रा हल्के हाथों से हैंडल करना चाहिए। वॉश कर लें और अच्छी तरह इसको जो है किसी टिश्यू के साथ में दबा करके जो है इसको ड्राई कर। अब जो है फिश को वॉश करके मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया हुआ है किसी कपड़े के साथ में या टिश्यू के साथ। अब एक बोल में आप इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो बीच में जाएगा जो कि मैदा है, प्लेन फ्लावर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, फूड कलर, नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाला क्योंकि ऑब्वियसली मैरिनेशन भी हमने इस्तेमाल किया था, ज़ीरा चला गया, अजवाइन जो है वो आप थोड़ी सी हाथ पर यूँ मसलेंगे और फिर इसको इसमें यूँ करके ऐड कर लेते हैं, लेमन जूस और अंडा ये डालें, इसको अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपको फिश दिखाई थी उसे आपने ईच पीस को बीच में डालना है और इसको कोट कर कर आप इसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट हाफ ना यानी कि आधे घंटे के लिए। तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, इसको मैंने फिश से निकाल लिया था और अब आप क्या करेंगे कि इसे एक एक पीस को उठाएंगे और आपने इसे फ्राई ये तवे के ऊपर रखकर फ्राई करना है मीडियम टू हाई के दरमियान में रखकर। फिश है बहुत जल्दी जो है ये माशाल्लाह से गल जाती है तो फ्राई इसको कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जिस वक्त आप फिश को फ्राई करेंगे, देखिए मैरिनेशन काफ़ी बहनें मुझसे ये कहती हैं कि उनका फिश के साथ चिपक नहीं रहा है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि कॉर्नफ्लावर या मैदा का इस्तेमाल हो सकता है उसको आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेंगे तो जो मसाला है वो फिश के साथ चिपक जाता है, लेकिन जो मैरिनेशन है वो आप ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरीके से जब आप फिश फ्राई कर रहे होंगे दोनों साइड पे हल्के हल्के हाथों से आपने जो है इसके ऊपर ये मैरिनेशन लगा देनी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है मैदा है तो वो जो है इसके साथ में स्टिक हो जाएगी। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगी आप इसे निकालेंगे, प्लेट पर आप रखेंगे टिश्यू और गर्म गर्म के ऊपर आपने जो है चाट मसाला डाल दें। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक देने लगी हूँ कि आपकी कोटिंग ना उतरे फिश के ऊपर से। आप क्या करेंगे, मछली को जब आप बीच में यूँ रखेंगे आपने पहली चीज़ तो इसकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक कि नीचे से वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, जो मैरिनेशन से मैंने आपसे कहा है आप इसके ऊपर लेंगे और थोड़ी थोड़ी जो है फिश के ऊपर यूँ स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि इवनली वो कोट हो जाता है। अब अगर आप इसको इस स्टेज पे चेंज करेंगे तो आपको पता है कि कोटिंग उतरेगी। आप क्या करेंगे, स्पैचुला लीजिएगा और मछली के ऊपर आपने ये गर्म तेल को फेंकना है, उससे भी कि जो कोटिंग है वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से आपने, ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो इसकी साइज चेंज करने से पहले या इसकी कोटिंग ना उतर जाए। तो ये कर लेने के बाद अब आप देखें परफेक्टली क्रिस्प हो गया है। इसके नीचे आप यूं करेंगे
और इसकी साइज चेंज कर लेंगे बिल्कुल। नीचे की परफेक्टली है कोटिंग वहाँ पर, और अब आपने जो इसके हल्का सा दबाव देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बीच में से रिलीज हो जाए, ये देखिए। और उसके बाद दोबारा तेल आपने इसके ऊपर करते हैं ताकि वो जगह सील हो जाती है। सर्व करते वक्त मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला लगाया है, लेमन वेजेस के साथ में इसको सर्व करते हैं, प्याज हो जाए साथ में पुदीने की चटनी, गर्मा गर्म रोटियाँ होंगी। कंप्लीट डिटेल से रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookwithfaiza.net पर, जरूर बनाइए। ताको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।